हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपने पास एक कैसन गाड़ी आई है। इसमें क्या यहाँ पे रियर मिरर है, ऊपर अप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आज इसे हम सॉल्ट आउट करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे नहीं तो प्लीज सबसे मैं प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। जरा मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसके स्विच दबा देते हैं तो इसमें से आवाज़ आ रही है अंदर से मोटर घूमने की, पर क्या है कि यह मिरर आप देख सकते हैं अप डाउन नहीं हो रहा है। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं आज। इसमें क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमें डोर कवर को निकालना होगा। डोर कवर को निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू लगे हैं, इसके अंदर जो स्क्रू रहते हैं वो, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे स्क्रू है हमें रिमूव करने रहते हैं यहाँ पे नीचे की साइड से। ये सारे के सारे स्क्रू रिमूव करने के बाद क्या है, कवर आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों हमने इसके सारे के सारे स्क्रू को निकाल दिया है। अब क्या करना है, इस हैंडल को इस तरह से आगे की ओर धकेल के इसे इस तरह से बाहर कर देना है, जिसके वजह से क्या इसे आसानी से निकालना जा सके। बाद में हमें क्या करना है, इसमें इसे नीचे के साइड से बाहर खींच लेना है इस तरह से। दोस्तों इस आप देख सकते हैं यह जो मोटर के स्विच है विंडो के पार, विंडो के स्विच इसका जो सॉकेट है उसे निकाल के हमें पहले इसे साइड में कर देंगे। दोस्तों हमने इस कवर को पूरी तरह से निकाल दिया है। तो यह है इसका दोस्तों विंडो का मशीन, इसे आप देख सकते हैं यहाँ से। यह विंडो के मशीन के जो तार होते हैं वो है ये पूरी तरह से निकल चुके हैं, टूट चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस मशीन को पहले बाहर निकालना होगा। दोस्तों मशीन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 के नट दिए हुए हैं, दो यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर के बोल्ट है, और यहाँ पे इसकी पावर विंडो की मोटर रहती है। तो इसका सॉकेट भी हमें निकाल देना है, सारे के सारे बोल्ट को लूज करके इस पूरा का पूरा मशीन हम बाहर निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले इस सारे बोल्ट को निकाल के इस मशीन को बाहर निकाल देना है। दोस्तों हमने इसके बोल्ट लगा दिए हैं, अब हम क्या करने वाले इस मशीन को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अभी ये मशीन क्या कांच के साथ कनेक्टेड रहता है, तो पहले हमें इस ग्लास को नीचे करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू रहते हैं, इसे हमें पहले रिमूव करना रहेगा इस तरह से। दोस्तों इस तरह के दो स्क्रू रहते हैं जिससे हम निकाल देंगे तो क्या है, ग्लास मशीन के साथ से फ्री हो जाएगा। ग्लास को इस तरह से ऊपर की ओर कर देना है पूरी तरह से, अब हम इस मशीन को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसके पावर विंडो का मशीन है, इसके तार रहते हैं जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोटर तो घूम रही है अपनी, पर क्या होता है कि ग्लास ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूट चुका है, तो इस मशीन को हमें चेंज करना होगा। उसके लिए पहले हमें क्या करना है, स्क्रू आप देख सकते हैं उसकी मदद, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस मोटर को अलग कर देना है। दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस बोल्ट को निकाल देने के बाद क्या होगा, ये मोटर निकल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी मोटर है,
जो हमने निकाल दिया, यह मोटर ओके है इसलिए हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं, हमें सिर्फ इस मशीन को रिप्लेस करना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नया मशीन लाए है मार्केट से, देख सकते इस तरह से इसके तार कंप्लीट रहते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर यह टूट चुके हैं सारे के सारे। तो हमें क्या करना है, इससे रिप्लेस कर देना होगा उसकी जगह पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोटर को इसके जगह पे बिठा देना है। दोस्तों इस तरह से हमें मोटर को उसकी जगह पे कंप्लीट बिठा देना है, इस जाएगी। फिर हमें क्या करना है, इसके जो स्क्रू है उसे वापस से कस देना है अंदर। दोस्तों बोल्ट लूज नहीं रहना चाहिए, इसे कम्प्लीटली कस के टाइट करना है, वरना ग्लास में अप डाउन में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों ये फिर से तैयार हो गया है, अब ये क्या करना है, हमें फिर से इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है इसे उसकी जगह पे। मशीन को इंस्टॉल करने के लिए क्या, ग्लास को सबसे पहले ऊपर कर देना है, बाद में इस मशीन के अंदर जो डाल देना है। देख सकते हैं इसे हमें मशीन को उसकी जगह पे इस तरह से कंप्लीट बिठा देना है, इसके जो नट रहते हैं उसे भी लगा देना है। दोस्तों ये मशीन अपनी जगह पर बैठ जाए, बाद में इसका सारा के सारे बोल्ट है उसे टाइट कर देना है। यहाँ पे इसके मोटर के बोल्ट रहते हैं दोस्तों, तो इसे भी हमें पूरी तरह से टाइट कर देना है। क्या करना है, इसके ग्लास को नीचे की ओर लाना है। इस तरह से नीचे की ओर ला देना है और इसके जगह पे इसे इस तरह से उठा देना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो होल है वो मैच हो जाने चाहिए। और हमें क्या करना है, इसके जो स्क्रू है उसे भी वापस से लगा देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस स्क्रू को टाइटली लगा दिया है। बाद में हमें क्या करना है, आप इस मोटर का जो सॉकेट रहता है उसे भी उसकी जगह पे इंस्टॉल कर देना है। तो अपना यह जो मशीन कम्प्लीटली फिट हो चुका है, अब क्या करना है इसे चेक कर लेना है हमें। दोस्तों स्विच लगाने देने के बाद हमें इस तरह से इसे चेक कर लेना है कम्प्लीटली अप और डाउन हो रहा है कि नहीं। दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि ग्लास का मशीन किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मशीन प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मैं इस चैनल पे ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियो देता ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।